अल्लाह तबरक ताला ने कलिमाए शहादतैन में अगर खालिक कायनात के साथ किसी मखलूक का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक ही है मखलूक, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज्जिन रोजाना 5 वक्त ये ऐलान करते हैं, जहां ये कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहते हैं कि अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। और उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक शहादतैन यानी अल्लाह की वहदानियत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दो चीजों का इकरार ना करें, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, बंदा और रसूल दोनों का इकरार करना है। अगर कोई सिर्फ ये कहता कि बंदा है रसूल नहीं है, मोमिन नहीं होगा। कोई कहता है कि वो रसूल तो है बंदा नहीं, इंसान नहीं, बशर नहीं, वो भी मुसलमान मोमिन नहीं होगा। दोनों का इकरार जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए व सय्यदिल मुरसलीन نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون حاضرين گرامی आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की इत्तेबा पैरवी क्यों करना है और कब्र में उन्हीं के ताल्लुक से सवाल क्यों होगा, तो आइए इस सवाल के जवाब को हम मालूम करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, आपकी इताअत और इत्तिबा क्यों ज़रूरी है। गुज़िश्ता कल हमने ये मालूम किए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल हैं, हर एतबार से आप खैरुल बशर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी बायोग्राफी सबके लिए उसूल और नमूना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको रोल मॉडल बनाकर भेजा है और आप गोया के आखिरी और फाइनल रोल मॉडल हैं। आपके बाद क़यामत तक और कोई नबी आने वाला नहीं है। नबी ने फरमाया अन खातमुन नबियीन वला नबी बादी, मैं खातमुन नबियीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। क़ुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया माकाना मोहम्मद अबा अहदिम रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से मर्दों के बाप नहीं है, बल्कि वो रसूल है और खातमुन नबियीन है। आपके ज़रिए से नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया, लिहाजा आप की ही इत्तिबा ज़रूरी है, पैरवी ज़रूरी है। और मैंने इसके लिए बारहा मिसाल दी है कि सबसे लेटेस्ट जो चीज़ होती है और सबसे आखिरी और फाइनल जो चीज़ होती है उसी पे ट्रांजैक्शन होता है। इंडिया में 500 की पुरानी नोट थी, 2016 तक उस पे ट्रांजैक्शन हो रहा था, लेकिन 2016 के बाद नोटबंदी के बाद दूसरी नई नोट आई है। अब उसके बाद से अब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है और होगा वो किस पर, जो नई नोट है इस पे। इसका मतलब ये नहीं है
कि हम ये नहीं मानते हैं कि इंडिया पे इससे पहले 500 की नोट नहीं थी, थी मानते हैं, लेकिन उस पर ट्रांजैक्शन नहीं होगा क्योंकि उसके बाद और एक नोट आ चुकी है, तो इससे पहले की वैलिडिटी खत्म है और जो लेटेस्ट है, जो है मौजूद, इसी पे ट्रांजैक्शन होगा। यही मिसाल याद रखिए कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया आए थे उन सब पर हमारा ईमान होगा कि हाँ भाई वो 500 की नोट इंडिया की थी, ये अंबिया थे, रसूल बनाकर भेजे गए थे, लेकिन आखिरी जो है उसी पे अमल होगा, आखिरी नोट जो अभी लेटेस्ट है उस पे अमल हो रहा है। पहले के नोट पे आप कुछ लेने जाएंगे तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, नहीं चलेगा, उस पर तआमुल नहीं होगा। यही मिसाल है कि जब आखिरी नबी आ चुके हैं तो इनसे पहले वाले नबियों के शरीयत पे अमल नहीं होगा, सिर्फ ईमान होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए पैरवी और इत्तिबा के हकदार हैं, इताअत के हकदार हैं कि आखिरी नबी की ही इताअत क्यों, और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा। मेरे ख्याल से ये फलसफा एकदम क्लियर है, कोई दाव पेच हेर फेर इसके अंदर नहीं है, बहुत आसान है। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बायोग्राफी की अल्लाह ताला ने कसम खाई है, किसी नबी की सीरत हयात और आपकी और जिंदगी की अल्लाह ताला ने कसम नहीं खाई। अल्लाह ताला जब कसम खाता है बड़ी बड़ी चीजों की कसम खाता है, और उनमें से है अल्लाह ने सूरज की कसम खाई, चांद की कसम खाई, सितारे सैयारों की कसम खाई है, अल्लाह ताला ने अपनी जात की कसम खाई है। अल्लाह ने कहा वश्शम्स वल कमर, इसी तरह वह नाजम, इस तरह से अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी चीजों की कसम खाई है, जमीन और आसमान के अल्लाह ताला ने कसम खाई है। वश्शम्स वदुहाहा वलकमरी इदा तलाहा वन्नहारी इदा जल्लाहा वल्लैली इदा यग्शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्दी वमा तहाहा वनफ्सी वमा सव्वाहा। अल्लाह ने इसे बहुत अजीम अजीम चीजों की कसम खाई है। उन्हीं में से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कसम अल्लाह ताला ने सूरतुल हिजर की आयत नंबर 72 में फरमाया, और सूरतुल हिजर की आखिरी आयतें गुस्ताख रसूल के अंजाम को बयान करती हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको इसके बाद के दर्स में और फजर के बाद के शायद वो आखिरी दर्स हो, गुस्ताख रसूल का अंजाम नबी के जमाने से लेकर आज तक आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। एक गुस्ताख रसूल को अल्लाह ताला ने दुनिया में बख्शा नहीं है, दुनिया में ही अल्लाह ताला सजा देता है, गुस्ताख रसूल को अल्लाह ताला दुनिया में ही सजा देता है, वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, अर्ज करूंगा। और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है आखिरी नबी के तय, वो भी इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। हाजरीन, सूरत अल-हिजर की आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने फरमाया लअमरुक, ऐ नबी आपकी जिंदगी की कसम, अल्लाह अकबर, आपकी उम्र की कसम, आपकी जिंदगी की कसम, इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, ये लोग ये कुफार और मुशरिकीन अपने धोखे में और जामे बातिल में पड़े हुए हैं, अपने नशे में चूर हैं ये लोग और टामक टोया खा रहे हैं, यहां वहां पर भटक रहे हैं, आपकी जिंदगी की कसम, यानी इनको हिदायत चाहिए, सही रास्ता चाहिए, मकसद चाहिए, टारगेट चाहिए, हदफ चाहिए, कामयाबी और कामरानी चाहिए, तो उनको चाहिए कि आपकी जिंदगी पर अमल पैरा हो जाए। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके लिए सब के लिए बेहतरीन उसवा है, नमूना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इत्तिबा क्यों होनी है, आपकी ही पैरवी क्यों होनी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल अंबिया, वो नबी जो सारे तकरीबन अंबिया के बाप हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम,
इमाम अहले तौहीद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जितने अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ लाए वो सब आपकी नस्ल और आपके ख़ानदान से हैं, आखिरी नबी तक भी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आखिरी नबी के बारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है। जब काबे की तामीर कर रहे थे, मक्का आबाद हुआ, काबे की तामीर बाप बेटे इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम कर रहे थे, अल्लाह ने इसको बयान किया है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 127, 128 और 129 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वइज़ यरफ़ु इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माईल। याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम और इस्माईल दोनों बाप बेटे काबे की बुनियाद को उठा रहे थे और ये दुआ कर रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। और उसके बाद आगे दुआ कर रहे हैं, दुआ करते करते आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के की आबादी और काबे की तामीर के दौरान ये दुआ फरमाई, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। ऐ अल्लाह ताला तू उन्हीं में से एक रसूल को मबऊस फरमा। आखिरी नबी के बारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मैं दुआ इब्राहिम, मेरे बाप हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, बशारतु ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम की मैं बशारत हूँ, और मेरी वालिदा का मैं ख्वाब हूँ। उनकी वालिदा ने ख्वाब देखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में थे तो एक नूर का टुकड़ा गोद में आके गिरा और उस नूर के टुकड़े ने सारी दुनिया को रोशन कर दिया, सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के ख्वाब हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम, मैंने दो ही मिसाल दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद सारे अंबिया आपके खानदान से हैं और ईसा अलैहिस्सलाम आपसे पहले वाले रसूल हैं, आपसे पहले वाले रसूल हैं, पहले वाले नबी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने आपकी बशारत दी है, चुनांचे अल्लाह तबरक तआला ने सूरतुस्सफ की आयत नंबर 6 में फरमाया, वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम। याद करो उस वक्त को जबकि ईसा इब्न मरियम ने फरमाया, या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिकन लिमा बैना यदैया मिनत तौरा। याद रखो मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ और तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, व मुबश्शिरन बिरसूल, और एक रसूल की मैं बशारत देने वाला हूँ, उसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, एक रसूल की बशारत, व मुबश्शिरन बिरसूल। आपने कहा कि मैं ईसा की बशारत हूँ, मुबश्शिरन बिरसूल, कौन ये रसूल, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद आएंगे और उनका नाम अहमद होगा। अल्लाह अकबर, बड़ी सराहत के साथ सारी ईसाई दुनिया को ये पैगाम है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बशारत दी है, आप नजात पाना चाहते हो तो आ जाओ, आखिरी नबी की पैरवी क्यों, आखिरी नबी की इताअत क्यों है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर ही क्यों चलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकाम मर्तबा है कि आपकी सीरत और आपकी जिंदगी और आप क्यों रोल मॉडल है। प्यारे नबी अल्लाह तबरक तआला ने कलिमा शहादतैन में अगर खालिक कायनात के साथ किसी मखलूक का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक ही है मखलूक, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज्जिन रोजाना 5 वक्त ये ऐलान करते हैं, जहां ये कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक शहादतैन यानी अल्लाह की वहदानियत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दो चीज़ों का इकरार ना करें, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, बंदा और रसूल दोनों का इकरार करना है। अगर कोई सिर्फ ये कहता कि बंदा है रसूल नहीं है, मोमिन नहीं होगा, कोई कहता है कि वो रसूल तो है बंदा नहीं, इंसान नहीं, बशर नहीं, वो भी मुसलमान मोमिन नहीं होगा, दोनों का इकरार जरूरी है। और अल्लाह अकबर, आपका ये मुकाम मर्तबा है, सारा कुरान आप पढ़ लीजिए, अल्लाह ने सारे नबियों को डायरेक्ट नाम लेकर पुकारा, या आदम,
या नूह, या इब्राहिम, या ईसा, या मूसा अपने नाम लेकर पुकारा है, लेकिन सारे कुरान में अल्लाह ने कभी भी कहीं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट नाम लेकर नहीं पुकारा है। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नहीं है। जहां पर भी नबी का नाम आया, नबी की रिसालत और नबुवत के मनसब के साथ आया है, फरमाया उमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद का सिर्फ नाम आया तो फरमाया कि रसूल, रिसालत और नबुवत के साथ ही पुकारा है, नहीं तो अपने बंदे। लौकुन इन कुन तुम फी रायब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, अपने बंदे पर जो नाजिल किया। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अल्लाह ताला बाबरकत है, पाक है, जिसने अपने बंदे को इसरा व मेराज करवाया। इस तरह से नाम लेके कहा, और जहां पर भी नाम आया वहां पर रिसालत और नबुवत का मनसब के साथ आपने जिक्र फरमाया है। हाजरीन, अल्लाह तबरक ताला ने आपके जिक्र को इतना ऊंचा किया, फरमाया व रफअना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बहुत ऊंचा किया है। अल्लाह अकबर, ये दुनिया की रिसर्च है कि दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं अजान होती है। टाइमिंग ऐसा अल्लाह ने बनाया है, हर वक्त कहीं ना कहीं अजान होती है। शुरू हो एक जगह से, मशरिक से लेकर मगरिब तक ये सिलसिला चलते रहता है, तो हर वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता अजान में, और उस वक्त नबी का भी नाम लिया जाता है। व रफअना लका ज़िक्रक, आपके दुश्मनों का नाम तब आता है जब आपका नाम आता है। अबू जहल, अबू लहब को कौन याद करता है जब आमिना के दुलारे का नाम आता है, हमारे और आपके प्यारे का नाम आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सारे नबियों से इकरार लिया है कि आखिरी नबी पर ईमान लाओगे, उनकी पैरवी करोगे, उनकी नुसरत और ताईद करोगे। जब अल्लाह ने सारे नबियों से इकरार लिया, अहद लिया, तो सारे नबियों के मानने वालों की यह जिम्मेदारी बनती है कि आखिरी नबी की इताअत और फरमाबरदारी करें। दलील, अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में फरमाया वइद अखदल्लाहु मीसाकन नबियीन, याद करो उस वक्त को जबकि अल्लाह ने सारे नबियों से ये अहद लिया, ये वादा लिया, वादा करो, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैंने तुम्हें किताब व हिकमत दी है, नबुवत के मनसब से सरफराज किया है, किताब तुम पर हमने उतारी है, थुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, और उसके बाद जब रसूल आ जाए तुम्हारे बाद जो तुम्हारी शरीयत की तस्दीक करने वाले हैं, लतुमिनुन्ना बिही, तुम जरूर उस आखिरी रसूल पर ईमान लाओगे, वलतनसुरुन्ना हो, उस आखिरी नबी की तुम नुसरत और ताईद करोगे, क़ाला अक़ररतुम, सब ने कहा कि इकरार किया तुमने, सब ने कहा कि हाँ हमने इकरार किया है, अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और कहा कि देखो तुम सब ने इसको कबूल किया है, इसको माना है, इकरार किया है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि इस पर अमल पैरा हो जाओ। जब हर नबी से अल्लाह ने यह करार लिया, आहद लिया कि आखिरी नबी पर ईमान लाओगे और उनकी नुसरत और ताईद करोगे, तो जाहिर सी बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इताअत होनी चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही क्यों, यह मैं आपके सामने रखा। आखिरी बात यह है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मखलूकात में, सबसे ज्यादा मोहब्बत खालिक की कायनात के बाद, अल्लाह के बाद किसी से होनी है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी है। सही बुखारी की हदीस है, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे, उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप मेरे पास सबसे महबूब है लेकिन मेरी जान से नहीं। तो नबी ने कहा ऐ उमर, अभी भी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। और नबी ने कहा वो आदमी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक उसके पास मैं सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, उसकी आलो औलाद वालिदैन सारे इंसानों में बाहिसियत लीडर और कायद, बाहिसियत से इताअत फरमाबरदारी के सबसे ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों, ये उलमा की रिसर्च है और ये हकीकत है, किसी से मोहब्बत होती है तो तीन चीजों से होती है। एक लिहस्सी ही,
उसके जाहिरी हुस्न व जमाल की वजह से, दूसरा वली एहसानी उसके एहसान की वजह से, और तीसरा यह है वली अखलाकी उसके अखलाक व किरदार, बाज ने एहसान में उसको दाखिल किया है, और तीसरा यह है कि उसके जो कमालात हैं, देखने की आदमी कुछ अच्छे नहीं है लेकिन ऐसी सलाहियत, गजब की सलाहियत, गजब का अल्लाह उनके पास जो है मलाका दिया है, बहुत जबरदस्त सलाहियत, उससे भी मोहब्बत होती है। अहले इल्म ने लिखा है ये तीनों सलाहियतें किसी के अंदर एट ए टाइम हो बहुत मुश्किल है। अखलाक व किरदार हो, एहसानात भी हो, अच्छे खूबसूरत भी हो, खूबसूरत भी हो, और उसके पास कमालात भी हो, सलाहियतें हो, काबिलियतें हो, हर चीज एट ए टाइम होना मुश्किल है। अगर ये चीजें एट ए टाइम किसी के पास हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। आपके एहसानात का क्या कहना है? अल्लाह ने सारे लोगों के लिए कहा और मोमिनों से खुसूसी तौर पर, लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, हमने मोमिनों पर एहसान किया है। अल्लाह ने पैदा किया, सब कुछ किया, लेकिन कभी नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। अल्लाह ने अपने एहसान को जताया और बताया है तो इसमें कि हमने आखिरी नबी को भेजा है। अल्लाह अकबर, लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात भटकी हुई इंसानियत को जानवरों की तरह इंसानों को इंसान बनाया, अल्लाह के अल्लाह से जोड़ा, हकीकी रब से जोड़ा, और कुरान जैसे दस्तूर लेके आया, इस उम्मत को हलाकत से बचाया। तहज्जुद के वक्त में उठ के सारी दुनिया अपने लिए रोती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती कहा करते थे। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, हर नबी को अल्लाह ताला ने खास दुआ दी है, जो भी मांगोगे कबूल होगी। हर नबी ने वो दुआ को मांग लिया है, मैं एक हूं, मैंने वो दुआ नहीं मांगी अपने लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। वख्तबा तो दावती शफात अल्ली उम्मती, मैंने उस दुआ को रिजर्व करके रख दिया मेरी उम्मत की शफात करने के लिए। अल्लाह अकबर, ये नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए एक बाप का मुकाम रखता हूं। अल्लाह अकबर, ये नबी के एहसानात है, नबी के कमालात का क्या कहना है? अल्लाह अकबर, आप थे उम्मी अनपढ़ मगर जाहिल नहीं। हाँ, आप ऐसे ऐसी ऐसी बातें बताएं कि आज तहकीक ये कहती है कि मेडिकल साइंस द चेंज नेम ऑफ मोहम्मद सुन्ना। हाँ, और आपके दीगर इतने तालीमात फरमोदात है, वक्त ना काफी है सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक और किरदार क्या कहना? अल्लाह अकबर, अल्लाह ने आपके अखलाक की गवाही दी, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आई नबी, आप अखलाक के ऊंचे मेयार पर फाइज है। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदावी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदावी, आचा खूबा हमादारत तू तन्हा दारी। फारसी का शायर कहता है, यानी यूसुफ अलैहि सलाम के हुस्न, ईसा अलैहि सलाम के दम फूंक मारते तो जिंदा मुर्दा जिंदा हो जाता और जो है बीमार को शिफा मिल जाती, और यद बैदादारी मूसा अलैहि सलाम की लाठी और हाथ जो सफ़ेद होता। इनके अंदर जो खूबियां हैं, आपके अंदर वो सारी खूबियां मौजूद हैं। सारे अंबिया के पास जो खूबियां थी, तने तनहा आप तनहादारी, आचे खूबा हमादारत तू तनहादारी, हमादारंद सब जो खूबियां रखते थे आए अल्लाह के रसूल आप तनहा रखते हैं। आपके हुस्न जमाल का क्या कहना है? आपकी बीवी में सलमा कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौदहवीं की रात में मैं कभी देखती, कभी चांद आसमान के चांद को देखती और कभी जमीन के चांद को देखती, मुझे जमीन का ये चांद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के चांद से ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा कि बताओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खूबसूरत या यूसुफ अलैहि सलाम ज्यादा खूबसूरत है? अम्मा आयशा ने क्या बेहतरीन जवाब दिया, कहा कि यूसुफ अलैहि सलाम के हुस्न व जमाल को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक किरदार एहसानात सलूक और आपकी बातों के सामने अरब के बड़े बड़े सरदारों ने सुरमाओं ने अपनी गर्दनें कटवा दी है। आपकी एक आवाज पे सब जान निछावर करने तैयार, माल तन मन धन की बाजी लगाने तैयार। बताओ कि कौन ज्यादा खूबसूरत है? अल्लाह अकबर, आपको मैं क्या क्या अर्ज करूं, आखिरी नबी की इताअत क्यों है, इसमें काफी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको सारी बातें अब बता नहीं सकता, वक्त ना काफी है। इंशाल्लाह बाकी के दर्स में
चंद बातें और अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह तबरक ताला किस तरह से आखिरी शरीयत आखिरी नबी की हिफाजत करता है, कैसे कैसे किया है और आपकी शान में गुस्ताखों का क्या अंजाम अल्लाह ताला करता है। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक ताला हमें और आपको सारी दुनिया वालों को ये तौफीक दे कि हम आखिरी नबी की ही इताअत करें, इसी में हमारे लिए नजात है, दुनिया और अखरावी कामयाबी मुजमर है और इसी में हम फला और बहबूद हो सकते हैं, अल्लाह करे आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।